अभी अभी बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात के वलसाड जिले के वापी में पुलिस और दो लुटेरों के बीच में फिल्मी अंदाज में हुई फायरिंग। वापी गुजरात के वलसाड जिले के लोकल क्राइम ब्रांच LCB पुलिस की टीम ने लूट के गुनाहों में वांटेड आरोपी राजू उर्फ अनिल मराठी स्विफ्ट कार नंबर GJ19AA2541 में सवार होकर भिलाड़ से अहमदाबाद जा रहे थे। उसी समय वापी GIDC क्षेत्र में आरोपी की स्विफ्ट कार का पुलिस ने पीछा किया। स्विफ्ट कार में सवार लूटपाट के आरोपी सलाबाद की एक डिलक्स मोटर नामक गैरेज पार्किंग में घुसकर छुप गए। छुपे हुए आरोपियों ने पुलिस को देखते ही एक राउंड गोलीबार किया। पुलिस ने जवाबी गोलीबार किया जिसमें अनिल मराठी और संजय श्रीवास्तव नामक दो आरोपी घायल हो गए। दोनों आरोपियों की धर पकड़कर घायल अवस्था में पुलिस ने आरोपियों को वापी के अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया है। पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वापी में पुलिस और आरोपियों के बीच हुए गोलीबार का वलसाड जिले के टाउन ऑफ टाक बन गया है। इस घटना की खबर वलसाड जिला डिप्टी पुलिस निरीक्षक अधीक्षक के साथ में वापी टाउन के पुलिस DIGC डुंगरा ACG और पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई थी। आरोपी राजू मराठी पहले भी 11 गुनाहों में वांटेड है। घायल आरोपी की कार से पुलिस को बंदूकें तलवारें बरामद कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वापी में पुलिस और आरोपियों के बीच हुए गोलीबार का किस्सा वलसाड जिले में टाउन ऑफ टाक बन गया। हमारे संवाददाता विजय पटेल की विशेष रिपोर्ट। આજે વલસાડ LCBને એક બાતમી મળેલ કે આંતરરાજ્ય જે ગુનેગાર છે રાજુ ઉર્ફે અનિલ મરાઠે જેના વિરુદ્ધ 11 ગુના અમારા ધ્યાન ઉપર છે હાલ, જેમાં વોન્ટેડ છે અને પોલીસ ઉપર ઘણીવાર ફાયરિંગ પણ કરેલા છે એ અહીંથી પસાર થનાર છે એ બાતમી। હકીકતે LCBની ટીમ એમનો પીછો કરેલો એ સંબંધે જ્યારે અહીંયા જ્યારે નજીક આવ્યા ત્યારે એમને એમાંથી એક કિશમે પોલીસ ઉપર ફાયરિંગ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો એટલે પોલીસ એ વળતું ફાયરિંગ કર્યું છે। એમાં બે માણસોને અત્યારે ઈજા થયેલી છે ને જે હરિયા હોસ્પિટલમાં એડમિટ છે। કેટલા રાઉન્ડ ફાયરિંગ થયું છે? એક રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું છે પોલીસે અને સામે પક્ષે પણ એક રાઉન્ડ ફાયર થયેલ છે। આરોપી અગાઉ પણ આ રીતે પોલીસે ફાયરિંગ કર્યું? હા, આ અગાઉ પણ ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ ફાયરિંગ કરેલું છે, વાપી GIDC પણ ફાયરિંગ કરેલું છે। અત્યારે ઘાયલમાં રાજુ ઉર્ફે અનિલ મરાઠી અને સંજય શ્રીવાસ્તવ બે। હા, આરોપી પાસેથી વેપન મળ્યા છે જે અમે અત્યારે ગાડીમાંથી સર્ચ કરી રહ્યા છીએ, એ અમે જોઈ રહ્યા છીએ, અત્યારે સર્ચ કરી રહ્યા છીએ।